perché se lo guarda più io tutto. क्या वो बात में रिक्शे वाले थे? अरे यार मेहमान है तो मैं आज आ जाता हूँ ना। फोन नंबर है? वाल वाल दबा देना मुझे। भाई वे हाँ चल रहे हो साथ मेरे साथ तो लाइव है ना। हाँ क्या मेरे को दिख ही नहीं रहा, नजरें कमजोर है। अच्छा वो मोबाइल निकालो चेक करना रिजल्ट क्लियर है क्या। कोड बता तुम्हारे उस पर डिवाइस का। ये तो लोड पर है अपना खोलो। नहीं खोलो पकड़ना जरा। अली मुस्ताफ तुम्हारा ऑनलाइन है? ऑनलाइन है रोज चले रही मुझे याद नहीं कर रहा। नहीं नेट खुला हुआ आपका खोलो ना उसको देखो लाइव आ गया। नहीं अच्छा आ गया ना यार सारे कमेंट साथ हो रहे हैं। एक कप रख देना मेरा चाय पीऊंगा गरम है जी। नहीं ये भी सही है वो देखना ध्यान से भाई क्लियर है यहाँ पे लेकिन मैं यहीं पे तीन मैंने छोड़े हैं ना उनके एक एक तस्वीर में फाइनल है। बस इसमें डालो ग्लास में
ओके नाज़रीन में कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हेडलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आपके साथ। आज का प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट है, कराची की कवरेज स्टार्ट हो चुकी है और ऐसी जोरों शोर और आग के साथ हुई है कि जो शौक आज आपको कराने जा रहे हैं कराची का निचोड़, कराची के ऐसे कबूतर जो पहले भी लास्ट ईयर भी जब हम आए थे तो हमारी मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो रही थी वो ये उस्ताद अलीम खान वाली वीडियो रही थी। तारीफें उस वक्त में भी बड़ी थी, तारीफें उससे पिछली वीडियो में भी बड़ी थी, तारीफें आज भी बहुत है, लेकिन कब तक हम तारीफों पर काम चलाएं, कब तक हम उस शख्स की कबूतरों की काबिलियत की बार बार एक ही बात करके उनकी तारीफ करें। और ये तारीफ अगर हम अपने लफ्जों में करेंगे, अपनी जबान से या ये तारीफ करें, तो इसमें लोग ये भी समझेंगे कि कुछ सच हो सकता है कुछ झूठ हो सकता है। हमेशा किसी भी शौकीन के जब हम कबूतर दिखाते हैं तो मेरा ख्याल है कि जब उन कबूतरों को आप देखें और अपने कमेंट्स में उनकी तारीफ अपने लफ्जों में करें तो शायद एक शौकीन के लिए इससे ज्यादा बेहतरीन बात और कोई ना हो। उस्ताद अलीम खान साहब बड़े ही डिफरेंट किस्म के इंसान, बड़े सोबर किस्म के इंसान, बड़ी ही जो है निगाह रखने वाले इंसान। परख में अगर बात की जाए तो इंसान की परख जितनी अच्छी कर सकते हैं उतनी ही अपने परिंदों की परख भी कर सकते हैं। रामपुरी के नाम से मशहूर हुए क्योंकि उनका ताल्लुक रामपुर से, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई और उसके बाद भी ये रामपुर आते जाते रहे और रामपुर से अपने कबूतरों के शौक को आगे मजीद चलाते रहे। और इतना रामपुरी कबूतरों की वीडियो पे ब्रीडिंग पे इन्होंने काम किया कि रामपुरी के नाम से मशहूर हो गए, खुद नहीं लोगों ने रामपुरी कहना शुरू कर दिया। ऐसे कमाल कबूतर, ऐसे खूबसूरत कबूतर और ऐसे रिजल्टेड कबूतर, रिजल्टेड इस तरह से भी हैं कि अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरे हाथ में है, इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, यूं रिजल्टेड है, तो ये बात शायद आप कहेंगे ये अभाम है, ये शक है, ये गलती है। लेकिन जब रजी मलिक साहब के कबूतर हरिपुर हजारा में देखते हैं तो एक रामपुरी कबूतर अलीम भाई वाला वहां जाता है और उनके टैडियों को बदल के रख देता है। तस्वीर मेरे पास मौजूद है, उन्होंने मुझे भेजी, डिस्कशन हुई, बड़े ही अच्छे कबूतर उधर बने उनके, तो उन्होंने कहा कि यार कमाल रिजल्ट दिया इस कबूतर ने, कबूतर भी खूबसूरत बनते चले गए और परवाज भी उनके पास बड़ी अच्छी है। तो इसके बाद जेलम सराय आलमगीर में अगर देखा जाए तो अलीम भाई के हाथ के बने हुए लाल अखे कबूतर और टैडी कबूतरों ने इस दफ़ा बेमिसाल परवाजें देके बड़ा ही अच्छा रिजल्ट दिया, जिसका मुँह बोलता सबूत बूटा फारूक साहब भी, वो खुद आपको बताएंगे कि कबूतर कैसे और बने और कैसे उड़े और कैसी कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही। कबूतरों की परख हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, कबूतर को इस तरह हम दिखाते हैं और आप लोग उस कबूतर की डिस्कशन जब हमारे साथ व्हाट्सएप पे फोन पे करते हैं या उस कबूतर की वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारे हाथों से ज्यादा आपकी आंखों का कमाल ज्यादा है। तो आज भी आपकी आंखों के कमाल को हम देखेंगे और कबूतर हम दिखाएंगे, रिजल्ट या उनकी परवाज या उनके कुंदे या उनकी आंखें कलर, ये चीज आप देखेंगे, आप बताएंगे कैसे कबूतर है। उस्ताद अलीम खान साहब हमारे साथ हैं, अरसा दराज का शौक और अरसा दराज का इल्मी खजाना कबूतरों के बारे में इनके अंदर बहुत सी बातें ऐसी जो मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हमें भी क्रेडिट पे लेनी चाहिए, हम लेते नहीं हैं, तो ये शायद हम अपने साथ ज्यादती करते हैं। एक वीडियो अलीम खान ने, उस्ताद अलीम खान ने हमें दी थी
बारीक के नाम से ऐसी वीडियो दी कि उसके बाद जब हमने लोगों से कहा कि अच्छे कबूतर की पहचान, लोगों ने बताना शुरू कर दिया जी कबूतर बारीक, ये बारीक, वो बारीक, हर चीज बारीक। तो इनके अल्फाज को लोगों ने अपने अल्फाज बना के हमें बताया, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि हमारी वो वीडियो टॉप वीडियोस में से एक वीडियो गई है, उस्ताद अलीम खान के एक पॉइंट ने लोगों की जिंदगी संवार दी। तो आज हम उस्ताद अलीम खान साहब के पास फिर से मौजूद हैं, इल्मी खजाना आपको देंगे। मेरे नहीं ख्याल के मैं इनसे पूछूं कि अच्छा कबूतर कैसा होता है, मेरे नहीं ख्याल के मैं इनसे पूछूं कि कितने अरसे से शौक कर रहे हैं, 3-4 साल से लगातार तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तो बातें हमने हर दफा की। आज हम इनसे बात करेंगे टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करेंगे कि यार ये मोटे कबूतर को बारीक करना कैसे, और ये बात आपको सिखाएंगे आज उस्ताद अलीम खान हमारे साथ, और साथ साथ करेंगे इनके चटपटे कबूतरों का शौक। चटपटे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आज आपको मुख्तलिफ मसाले दिखाएंगे, रामपुरी भी दिखाएंगे, उनमें फिर आपको लाल मिर्चों वाले, लाल आंखों वाले भी दिखाएंगे, फिरोजपुरी भी दिखाएंगे, और कौन कौन से हमारे पास टैडी कबूतर, जो कबूतर यहाँ पे अवेलेबल होंगे एक एक दो दो करके वो कबूतर दिखाएंगे, और अलीम भाई उनकी मेंटेनेंस के बारे में हमें बताएंगे कि किस तरह से इनको मेंटेन किया जाता है या एक नया शौकीन कर सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हमारी ये वीडियो देखते रहें। अलीम भाई का नंबर नुमान पिन कर देगा, अलीम भाई अपना जरा नंबर बोल दीजिए। 0300 255 0938 38। उस्ताद अलीम खान साहब का ये नंबर हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं चैट में कमेंट्स में, आप हाँ फॉर नॉलेज नॉट फॉर सेल, हाँ फॉर नॉलेज आप, क्योंकि अक्सर लोग मांगते रहते हैं ना अलीम भाई नंबर, तो हम क्या करें, मजबूरी है हमारी, हमें नंबर देना है। तो ये नंबर है उस्ताद अलीम खान साहब का, आप कबूतरों की ब्रीडिंग, कबूतरों की नस्ल को मेंटेन करने में जो है आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और इस शख्स से मतलब मिलके मैंने भी बड़ी चीज़ें सीखी, बड़ा मैंने अपने कबूतरों पे अमल किया, उन चीज़ों को अब जब अपनाया तो वाकई एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, और इस बात का एक मैं कहूँगा कि हमारे ऊपर ये एहसान भी है और हमारे इस चैनल पर भी एहसान है, और जब से ये चैनल बना है तब से इस बंदे के एहसान है, और ये जो अब अलीम खान से मुलाकात का सबसे बड़ा जो शर्फ हमें हासिल हुआ ये हासिल हुआ है उस्ताद मीर सलीम की वजह से। ये मीर साहब हैं, ये अलीम भाई हैं, इनके साथ बैठ के अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो सीख लें, नहीं तो फिर आगे झूठ बहुत है। तो बहुत बहुत सी बातें हैं, हर बंदा अपनी अपनी बातें करता है, हर बंदा अपने अपने लॉजिक, मीर साहब उड़ाने के भी मास्टर, कबूतर की परख के भी मास्टर, अलीम भाई पुराने कबूतरों से लेके आज तक के फी जमाना चलने वाले कबूतरों को कैसे मेंटेन करना है, पुराने कबूतर को पुराना भी रहने देना है और नए कबूतर में बदल भी देना है, तो ये काम कैसे होता है, उस्ताद अलीम खान हमारे साथ हैं, हम बैठ के बात करेंगे और साथ साथ कबूतर देखेंगे। मेरे हाथ में एक रामपुरी कबूतर है और ये है रामपुरी लेकिन ये मेंटेन हुआ। अब ये बताएं कि इधर वाली तू इधर आएगा, नुमान की सामने तेरी किधर बनेगी, मेरी तो आपके साथ, ये दो छे यहाँ बनेगी तेरी, नहीं मेरा हाँ उल्टा हाथ हो जाएगा ना मेरी साइड में, आ जा भैया, लेकिन वो चेयर सामने लगाए ना अलीम भाई की, हाँ हाँ ठीक है, अलीम भाई यहाँ सामने आ गए, अलीम भाई और मीर आ गए, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये प्योर रामपुरी कबूतर है अलीम भाई, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें कहता है कि इसको हाथ से ना निकालो, तो लोगों के पास हमने देखे वो कबूतर रामपुरियों में कि उन पे जो है ना पुराने ज़माने में सवात में या इधर उधर जब घर बनाते हैं तो पत्थर उन पे लाद के ऊपर लेकर जाते हैं इतने बड़े बड़े, तो क्या ऐसे क्या शनाख्त है इनकी कि इनको इस तरह से कैसे आपने बनाया? देखिए मैंने पहले भी कहा था रामपुरी ऐसी नस्ल है जो निखार पैदा करती है, बिल्कुल सही। तो कुछ लोगों ने आज से कोई 25-30 साल पहले 35 साल पहले जब मैं कहता था कि टेडी इनसे बने या टेडियों में इनका पर है, लोग नहीं कहते थे, लेकिन अब बड़े बड़े उस्तादों के मुंह से मैंने सुना। सही। अच्छा, रामपुरी में एक ऐसी खूबी है जो मुझे किसी और ब्रीड में नजर ही नहीं आई। सही। वो ये जितना पानी जिस्म में ये रख के उड़ सकता है वो कोई और कबूतर लेके नहीं, टेक्निकल पॉइंट। जी हाँ, इसके टिश्यूज में अल्लाह ने कोई या उन उस्तादों ने जो 200 साल पहले बनाए उन्होंने ऐसी क्या चीज़ बनाई है
आप उड़ान के वक्त अभी छोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये थोड़ा सा हैवी है, लेकिन वो हैवी होता नहीं है। हाँ। तो सिर्फ पानी होता है। सही। और यही वजह है इसकी वापसी का राज कि इसके औसान खत्म नहीं होते। क्या बात। कितना ही टेम्परेचर पड़े ये कोई आफत नागहानी आ जाए, परिंदा है जाया हो सकता है, वरना 99% ये घर पे अराइवल करेगा। अराइवल करेगा, बिल्कुल सही। उसकी वजह है कि इसके टिश्यूज, अच्छा आप इसके टिश्यूज में देखें कहीं से भी आपको हार्डनेस नजर नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल सॉफ्ट। कितना ही बड़ा कबूतर पकड़ लें, देखें स्पंज, स्पंज है ये। आप छोटा देख रहे हैं, आप बहुत बड़ा भी है मेरा साइज, क्योंकि मैं ओरिजिनलिटी में भी रखता हूँ। चरामपुरियों में छोटे और बड़े दोनों साइज हैं, ओरिजिनल। आप बड़ा भी कबूतर पकड़ेंगे तो उसमें भी यही खूबी है कि इतना बड़ा दिखता है, उसमें वेट नहीं होता। पकड़ो तो पता चलता है ये क्या है, कुछ भी नहीं। आदमी दूर से देखेगा समझेगा यार ये तो एक किलो का है। हाँ। और जब हाथ में आता तो कहता है यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ये 250 ग्राम का है। 250 ग्राम का है। तो ये इनकी खसूसियात है, बिल्कुल सही। फिर निगाह के बहुत सच्चे हैं, निगाह के ये इतने सच्चे हैं कि हमारी और आपकी सोच मकसद, मैं इनको कहता हूँ, अब तो पंजाब के उस्तादों ने नाम रखा इंसान टेढ़िया वगैरह, लेकिन वाकई इनमें इंसानों जैसी समझ है। सही। अच्छा एक मैं आपसे एक बात करता हूँ, बड़े अरसे से मैं कुछ लोगों को समझाना चाहता हूँ। 100 साल से भी एक जुमला चला ही आ रहा है, वो ये यार अलीम भाई कैसा कबूतर है, तो बात बता दें। मैं कहता हूँ यार शान सियान उड़ान। जी जी, ये जुमला शान सियान उड़ान बिल्कुल हजारों बार सुना, हजारों बार सुना कि है क्या, है क्या। अच्छा मैं किसी से भी पूछता हूँ ना, मैंने अच्छे अच्छे उस्तादों से भी पूछा, कहते हैं यार उस्ताद जी जो खूबसूरत नज़र आता है ना वो शान है, तो वो तो फैंसी हो गया। तो फिर उड़ान सियान की बात कर रहे हो आप, वो उड़ान तो आखिर में आ गई, बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट बता रही है दुनिया ऐसे ही, क्योंकि वहाँ तक ना सोच है, ना जाना चाहते हैं, ना किसी से मालूमात हासिल करना चाहते हैं। अभी आपने बात की तो मेरे जहन में भी इसी तरह चला था, तरतीब ही चलती है ना। अब मैं आज आपको और सुनने वालों को, दोस्तों को एक अहम बात बता दूं, शान शान सियान और उड़ान के बारे में। मैं तीसरे नंबर पे उड़ान लेके आया हूँ जी, मैं नहीं लाया ये 100 साल से जो उस्ताद लेके आया, मुहावरा चल रहा, लेकिन वो उस्ताद इंतहाई समझदार थे जो आजकल के नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी आजकल में मैं भी आ गया ना, हमारी इतनी अप्रोच या हमारी इतनी अभी, हाँ हमने तो बने बनाए उनकी चीजों पर ही। अब शान मैं आपको बता रहा हूँ, शान में एक कबूतर खड़ा हुआ है सीना तान के, बाजू निकाल के, ये लंबी गर्दन लेके, ये चोंच रख के, पतली नलियां लेके आप वो खड़ा, आपने क्या शानदार है। हाँ ऐसे ही, ठीक है जी, सारी चीजें आ गई उसकी, आ गई। अब आप दंगा यार इसको सियान भी देखो, अब आप दंगा यार 100% सियान है भाई। अब आप मुझे बताएं कि उड़ान की जरूरत है आपको क्या, या वो खुद उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, उड़ान कौन से नंबर पे आ गई, तीसरे पे। पहले आप क्या चीज देखोगे, शान, पहले उसके पॉइंट, शान उसी को कहेंगे ना जो पॉइंटों में पूरा होगा, फिर पॉइंट में आएगा तो शान बनेगी, शान बनेंगे ना। अब लोग यार ये हसीन कमक्कर है, ये फलाना मोटी नलिया, नहीं भाई शान ये नहीं है, शान वो इस बात को कह रहे हैं कि चोंच से लेकर नाखून तक पॉइंट पूरे कर लो, वो हो गई शान। अब कबूतर शान से खड़ा हुआ है, अब उसका सियान आपको सियान मुकम्मल दिख रही है, अब वो कहते हैं भाई उड़ेगा 100% उड़ेगा, उड़ान तो हमारे तीसरे नंबर पे है, अब उड़ा लो इसको जितना उड़ाना है। यहाँ लोग इसको उल्टा लेके चले जाते, उड़ान पहले लाते हैं, उड़ान पहले लाते फिर कोशिश करते हैं इसमें सियान डालो, सियान बैठे नहीं है। अब जब सियान भी आ गई तो अब बेचने की तरफ जाओ तो इनमें कोई खूबसूरत कबूतर डालो, तो बात ये नहीं है, बात बिल्कुल ऐसी है कि पहले आपके पास ब्रीडिंग बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी ब्लड लाइन हो जिसमें सारे पॉइंट हैं, ताकि आप अपने टाइम बर्बाद करने से बच जाएं। ये है शान शान उड़ान, जिसको लोग यहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, ये समझ से बाहर हो जाती है बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कि हम अगर इस मुहावरे को शान शान और उड़ान पर रखें तो हमें सबसे पहले चाहिए अच्छा कबूतर, अच्छा पॉइंटों में पूरा, पॉइंटों में पूरा, उसके बाद उसके लिए शानदार ऐसी मादा के उसके साथ खड़ी अच्छी तो लगे, खड़ी अच्छी लगे बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमने देखना है कि आया वो सबके साथ घुल मिल गए,
या साइड पे बैठे हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही। क्या वो अपना खाना छोड़ रहे हैं? क्या एक दिन बंद किया अगले दिन वापस उस खाने में जा रहे हैं? मतलब हम सियान उनकी जज करें। अब जब वो पॉइंट्स और वो चीजें पूरी हैं, वो दोनों का मिलाप होगा तो बच्चा उड़ेगा ही। बिल्कुल सही हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। आज फिर एक पॉइंट दे दिया अलीम भाई ने। और अब हम आते हैं इस कबूतर की तरफ। ये है अलीम भाई का टॉप फेवरेट ब्रीड, जो टॉप लाइन है इनके घर की, रामपुरी ब्लड लाइन। मैंने लाला फरीद खान साहब को दिए थे कबूतर। ये उस्ताद लाला फरीद खान साहब के पास भी कबूतर गए थे अलीम भाई से, और उधर से इधर भी आए। तो उमर मलिक साहब बिल्कुल दिखाते हैं। मजा नहीं आ रहा है, इधर आ देखा रहा? नहीं अब सही, यूं सही। अच्छा, इसमें एक गुलाबी से लाल से जरात आ रहे हैं, क्या ये इसके ओरिजिनल जरात है? बिल्कुल ओरिजिनल है। देखिए, जवानी में इसकी आंख ऐसी किसी भी रामपुरी की ऐसी आंख नहीं होगी। ये आपके हाथ में 10 साल का कबूतर है। 10 साल का कबूतर? जी जी। अच्छा, तभी इतनी? जी जी। वाह वाह। और ये लग नहीं रहा 10 साल का? ये फिटनेस देखे, लोग अच्छा कबूतर रख के और उसको खाली गंदम खिलाएंगे तो उसकी फिटनेस कहाँ से रहेगी? वाह वाह, सही। आपने कबूतर लाख रुपए का ले लिया है और आप खेड़ के ला रहे हैं मिक्स दाना, फायदा? अलीम भाई, ये जो कबूतर रामपुरी हैं, आपके हिसाब से इन कबूतरों को किन कबूतरों के साथ लगाएं कि दुनिया कहे कि यार हमारे बच्चे उड़ने शुरू हो गए या रामपुरी कबूतर बच्चे उड़ाते हैं? ये ओरिजिनल कमग्गर, देखें ऊनी आँख को मैं कमग्गर नहीं कहता, या मुझे नहीं पसंद, नहीं समझे, मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ जी, ताकि किसी को बुरा ना लगे। इनमें गुलाबी डोरों के कबूतर अगर आप मिलाएंगे कमग्गर, तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि हमारी आपकी सोच से ज्यादा। वाह जी वाह, पंजे के कलर भी कमाल ही है। कमग्गरों से मिला के ये एक अच्छी चीज देंगे आप। सर, ये बहुत अच्छे उड़े हुए कबूतर हैं। इनका इनकी परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई तो हरिपुर हजारा में, उसके बाद बूटा फारूक साहब उनकी तरफ से उनसे पूछे आप जेलम में। तो अब ये वाला, ये भी एक सीनियर कबूतर है जी, इसको क्या कहेंगे हम? मैं तो कबूतर कहता हूँ, दुनिया पता नहीं क्या कहेगी। अच्छा, इसकी एज ज्यादा है काफी। एज कितनी है इसकी? इसकी होगी 8-9 साल। ये कमगरों में से? जी जी। ये अली भाई कौन से कमगर, मतलब किससे मंसूब होंगे कबूतर? अली बलोच वाले। अली बलोच वाले, देखें ये मैंने या तो यूसुफ खान के पास देखे ना मरूम के पास। सही सही, सही। क्या बात है, अब इसकी हड्डी कुंदा हर चीज से इसको देखें, ये तो इंतहा कर देगा कबूतर। क्या बात है, इसका पर देखें, ये धूप में जाए कुछ दिन तो फिर अपने जरात बोल देते हैं। जैसे कुछ दिन इसको धूप में छोड़ेंगे, पुराने होने वैसे ना आँख नीली कर देते हैं। हाँ, पुराने जरा आँख ज्यादा गहरी कर गए, धूप में रहेंगे तो ज्यादा। फिर अपने जरात खोलते हैं, कमकर को तोड़ते हैं। ये पर दे रहा है, पर बता रहा है इसका, ये इस शान आ रही है ना कमकर वाली, ये है ना, ये बीच में इसने पर दे दिया। पिछले साल इसकी आंख और थी, इस साल और, पिछले साल ये पिंजरे में पड़ा हुआ थी। बहुत अच्छे परेल, बहुत है। हाँ, क्रीज में है लेकिन फिर भी कमाल का कबूतर है जी ये। देख लें इसका कुंदा, बहुत आला जी। मलक सफदर साहब, अकबर शाह साहब, इब्राहिम जंजुआ साहब, मोहम्मद शफकत अमान साहब, उमर मलिक साहब, नकाश खान, नसीर अहमद साहब, भाई कमाल हो गया। 0300-255-0938 ये नंबर अलीम भाई का पिन हुआ हुआ है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। कमाल का कबूतर, चौड़ी छाती, गोश्त है, सब कुछ है, बना हुआ कबूतर पूरे अंदाज से। कि अगर आप चाहें तो ये भी चेक करना है, ये इन्हीं में के नहीं। अब आप ये दुनिया को दिखाएं, ये इसमें रामपुरी ब्लड परेशान नहीं हो कुछ है? हाँ जी,
ठीक है ना, मैं दिखाऊंगा अभी कुछ खा पी। अच्छा, इसका पूरा खानदान दिखा सकता हूँ, माँ नानी दादी जो पहले ये बने रामपुरियों से। जी जी खाके ना आपकी बोले। हाँ अरे वाह अरे वाह, कबूतर साया आ रहा नहीं, अच्छा आ रहा वहाँ सामने के कबूतर, यूं मेरे पास सही आता है यहाँ से यूं। है ना फोन से दिखाए, मैं अभी फिर रामपुरी तक रिवर्स में लेके जाऊंगा सबको। सही आ रहा नहीं जी, ये गोल्डन कबूतर कहलाएगा लेकिन ये गोल्डन है नहीं, अलीम भाई ने बताया। मैं अभी दिखाऊंगा ये रामपुरी का। अब ये जो बात हम आपसे कह रहे थे कि किस कबूतर को कहाँ यूटिलाइज करना है, ये अलीम भाई बताएंगे और ये अलीम भाई ने बता दिया। ये बनाया है रामपुरी और कमगर या गोल्डन डाल के। वकास अहमद साहब देखें, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, चौधरी शाजिब कसूरी साहब, क्या पा रहा है। उस्ताद साकिब बाबा साहब, विवेक अंतवाल साहब, विवेक भाई आपसे नाराज हूं मैं, टाइम पे आप नहीं नजर आते, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कभी कभार आते हैं एकदम से। आप देखें रामपुरी इसमें कहाँ नजर आ रहा है आपको। बिल्कुल उस्ताद मंजीत सिंह साहब, ये देखें ये रामपुरी कबूतर गोल्डनों में डाला है उस्ताद अलीम खान साहब ने, तो ये मुझे तो इसमें अब रामपुरी नजर नहीं आ रहा। अब मैं रिवर्स में लेके होगा रामपुरी, ये नहीं मैं कहता, लेकिन एक आम फहम जुबान में जो मुझे नजर, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा उसको अलीम भाई ने मेंटेन कर दिया कि वो बात अब नहीं नजर आ रही। आमिर अली साहब आपको सलाम कह रहे हैं, परों का बहुत बादशाह बहरल, बड़े ही अच्छे ये चारों पर इसको दिखा दे रहे, ये तीन पर ऊपर करवा के ना। क्या बात, एक दो तीन चार पांचवा भी आ गया, बीच में पर नहीं है, झाड़ कर रहा है। लाओ जी दूसरा कबूतर। मीर साहब इसका भाई जी, सगा भाई है जी इसका। हाँ तस्वीरें खींच ली, अब जैसे मर्जी पकड़ो। अच्छा जी ये इसका सगा भाई है। सगा भाई है। क्या हुआ कहाँ रखी हुई है? सैयद नसीम भाई कह रहे हैं वीडियो नॉट क्लियर, भाई क्या करूं समझ से बाहर हुआ है। एक तो ये जोंग वालों ने अजाब डाला हुआ, कभी सही कर देते हैं कभी। इधर पास से आ जाए डिवाइस के, वहां बैठे थे नहीं बंद करी लाइन तो चल रही है, चार्ज हो रही है। हो रही बस ठीक है। अभी यहाँ से कुछ करते हैं कुछ डिवाइस, मैं लाऊं डिवाइस देखने नहीं नहीं चल चल रही है, नेटवर्क कभी आता कभी जाता है, वो ये मसला हो रहा है। देखिए देखो जरा जी हैदर शाह जी देखते हैं अभी। मेरे बेहतर हुआ पहले से बेहतर है विवेक भाई, लेकिन बहुत ज्यादा बीबी नहीं ठीक उसकी तबीयत, बद्दुआ कीजिएगा। यानी भाई उठे हैं तो वीडियो का पता लगा नहीं क्लियर हुई कहाँ। सही है यार ये देखें गोल्डन कबूतर का है, बेड़ा गर्क कर दिया उसने। इतने लोग 258 लोग इस वक्त 300 मोतियों वाले भी हैं, बिल्कुल ठीक है। साकिब भाई किधर वीडियो को कर रहा हूँ यार, कहाँ रखी थी लास्ट ईयर? वही पढ़ी सर लास्ट, नहीं वो वहाँ लास्ट ईयर कहीं और रखी, इसके ऊपर इसके ना। नहीं आया
देखो मैं धूप में भी गर्म हो जाएगा ना, धूप में क्या हो रहा, धूप गर्म हो जाती है ना धूप में, फिर भी हो जाती है तो बेड़ा गर्क कर देती है, कोई पता नहीं स्किन मीर ही नहीं क्लियर आ रहा, धारियां धारियां वाला आ रहा साइड है तो सब। रंजन साहब सानू भी पता लग गया नहीं मजा आ रहा, सानू खान का भी मजा नहीं आ रहा, साड़ी भी मेहनत है, दुआ करो कि सेट हो जाए, प्लानिंग तो कर रहे हैं जरा इसको आगे पीछे क्लियर, नहीं जाफर भाई ऐसी बात नहीं है, अब ठीक है ना शहजाद भाई चौधरी, शहजाद जिकियाना साहब, शहजाद भी वो पहुंच गए सन, देखो जरा आगे लाओ, बिल्कुल क्लियर हो गया। वालेकुम सलाम उबैदुर रहमान साहब, क्या बात है, आए हाय हूँ दो ना कुछ अंगूठे शंगूठे तो सानू पता लगेगा भी वीडियो सेट हुई है, ए आया चैंपियन पंजाब पाक अमेरिका कप हैदर शाह साहब, आज तो शादी वाली आई जा रहे, अल्लाह खैर करे। उबैदुर रहमान साहब अब ठीक हो गया है, कैमरे का रिजल्ट ठीक है, नेटवर्क खराब है, एडा महंगा लैके भी हूँ कैमरे का रिजल्ट खराब आना, नहीं जी ये कबूतर है रामपुरी कबूतर, वाह 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 क्या रिजल्ट है, ओ कमाल हो गया भाई, सामने मेरे फोन रखा हुआ मुझे नजर आ रहा है, बहुत ही आला, हाँ उत्ते उड़ते सिग्नल फट दी, ये जी रामपुरी और गोल्डनों में से क्रॉस है, उस्ताद साकी बाबा साहब कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इनमें मोतियों वाले कबूतर भी हो सकते हैं, तो देख लेते हैं पूछ लेते हैं, साकी बाबा साहब पूछ रहे हैं क्या इनमें मोतियों वाले भी डाले, नहीं डाले, इसकी बेटी है। किसकी, इनका पिटारा तो खोलो, बहुत आला कबूतर। अब तो मैं कहता हूँ कि जी कमाल वीडियो आ रही है, 0300-255-0938 उस्ताद अलीम खान साहब को फोन करके ये पूछें ये रामपुरियों में गोल्डन डाल के गोल्डन कैसे निकाल लिए, ये इसी की बेटी है, ये आगे फिर इसकी बेटी है गोल्डन की, यार अच्छा वैसे एक बात है साकिब भाई की भी नजर बड़ी है, अहमद सी क्यू अहमद सी जी, मलकीत रंधावा साहब माशाल्लाह बहुत ही आला, इंतहा का पर अच्छा, स्पीड भी अच्छी होगी वीडियो की, पहले लेट लेट हो रहा था काम, अब डायरेक्ट आ गया, कहाँ का पर है देखो कैसा कमाल पर है जी, सर इसकी खड़क भी लाखों में एक है, क्या बात है, सियानी बहुत, अभी रामपुरी बुलेट चला रहे हैं ना, बहुत आला, ये देखें पहले गोल्डन जो दो दिखाए हैं भाई, जी जी उनकी माँ, ये उनकी माँ है, बस खत्म, अब क्या बीट है भैया, दो मिनट में फारिग हो जाएगी, ये जो पहले गोल्डन गए हैं जी ये उनकी माँ है, मलक सफदर साहब बहुत रामपुरी का, ये पहला क्रॉस है रामपुरी का गोल्डनों में, ये इनकी माँ, अच्छा यहां कलर थोड़ा और आ गया,
टाइम टेकिंग गेम, ये एक दिन में थोड़ी बन जाएंगे। बिल्कुल, लोग ये समझ रहे हैं फौरन रामपुरी से मिलाएंगे बन जाएंगे तो गलती कर जाएंगे। बिल्कुल सही, पहला क्रॉस गोल्डन रामपुरी का लगा तो रामपुरी का हल्का सा कलर चेंज हुआ, वजूद उसने अपना नहीं छोड़ा। हाँ, ये इनकी माँ, ये माँ की माँ, हाँ ये इससे स्टार्ट हुई है कहानी, ये रामपुरी माता ओरिजिनल, ये प्योर ओरिजिनल रामपुरी, ये इसकी माँ है, ये जिन पट्ठों की माँ की माँ नानी बनी, हाँ पट्ठी की परनानी, पट्ठी की तो दादी बनेगी ना, पट्ठी का रिश्ता तो बाप से चलेगा ना। मलिक सफदर साहब, शाहिद मलिक साहब, वदेने क्या बात है जी, आली शान पर के मालिक। जो लोग कह रहे थे कि जी रामपुरी कबूतरों का रिजल्ट कैसे होगा, तो वो गोल्डन देख लिया उन्होंने, वो 2000% रिजल्टेड गोल्डन थे इंशाल्लाह। तो वो अगर ये रामपुरी ऐसे करके कोई बनाएगा तो जाहिर बात है फिर काम तो चलेगा ना। क्या बात, पुराना कपड़ा रख देना, देखें ये यहाँ रखा था, ये हाँ पड़ा, ये इसी का बेटा है, किसका, ये फिर उसी क्रॉस में आ गया, ये बहन दिखाई आपको अभी, ये भी रामपुरी गोल्डन क्रॉस, ये माँ बेटे, ये माँ बेटे, तुम भी कोई वली हो, तुम्हें पता था मेरे आदमी करेगा, नए बंदे पे कल देख लें, नहीं जी रामपुरी गोल्डन फर्स्ट क्रॉस लिए है। अब इसने आगे जागीर जोहल साहब, जासम ब्रावो, नोमी को डॉन ना बनाए, वो इतना डॉन ही सही, उस डॉन की बेचारे की नाक नहीं रुक रही, इतनी बहरी है, आवाजें सुन रहे हैं ना, सुड़ गोल्डन की रस आपको भी, एक कोल्ड ड्रिंक ने नुमान का डॉन पर निकाल दिया, नोमी डॉन कह रहे हो, फिर बाद में मिंट मार्गरेट अभी आया था, अच्छा जी, हाँ इनके छटिया तो कुछ ही निकल, नहीं नहीं मैं क्या उससे वो हो जाएगा ना, और वध के हो जाएगा, अब ये कितने साल में, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, रामपुरी कबूतर अब जिस हालात में हैं, जो वक्त आ गया इसमें नहीं कबूतर उड़ते, इनको फिर मेंटेन करने के लिए आपको दूसरे कबूतरों को मेंटेन करने के लिए इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या बात, उस्ताद आसिफ जमाल साहब, कराची का एक मायानाज नाम, कराची की शान इस वक्त हमारे साथ, इसके बच्चे इस कलर में आ गए, ये देखिए आप, अलीम भाई क्या बात, कोई सियालकोटी कहेगा, कोई गोल्डन कहेगा, हाँ भाई सफर कहाँ है, बहुत अच्छे कबूतर अलीम भाई बना लिए, कमाल कर दिया, किधर लिया भाई, अब देखे मैं इनमें वापसियों के लिए मैंने रामपुरी मिलाए कि इनकी रिटर्न जो है ना बढ़ जाए, वो बढ़ जाता है, आपको यकीन हो कि भाई वापस आए, वापस आए, इसलिए आपने रामपुरी का जो इसमें एडिशन किया, और कराची की आबो हवा के हिसाब से पर भी वो हो गया, पर हर चीज देख रहे हैं, रंग भी बड़े हसीन हो, साइज भी बन गया ना वही वाली, मियाँ आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपकी प्यार का, आपके कमेंट का, आपके वक्त का, सैयद मोहसिन अली साहब आप भी कभी कभार ही अब नज़र आते हैं, मोहम्मद इरफान साहब, मुश्ताक खान साहब, कबूतर देखें स्वाद लें, मेरा ख्याल है कि अब हम ज़रा उन पे आ गए, हाँ भैया,
बहुत आला, ये ना लगाना यूट्यूब पे बैन हो जाएगी वीडियो। सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है, हानिकारक। तंबाकू नोशी किसके लिए, सेहत को भी बता दो हिंदी में क्या कहते हैं, हानिकारक बता दो। वो तो हानिकारक तो मुजर है ना, सेहत के लिए हानिकारक। अच्छा अब ये देखें, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ये पांच के कुछ, ये तो ऐसा जैसे मुक्का पूरा ही। कितना टाइम लगा रामपुरी में चेंज करने में? बिल्कुल, अब लोग चाहते हैं कि एक दिन में चेंज हो जाए, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं, सबर का खेल। लेकिन बहुत अच्छा और बड़ा आला पायदार बच्चा है, इस वक्त अगर कराची की किसी छत पे छोड़ा जाए तो इंशाल्लाह कोई ना कोई ये रिजल्ट अपने नाम करेगा। क्या बात। अच्छा जी, अब आपको एक डिफरेंट ब्रीड दिखाते हैं कमग्गर कबूतरों में। डिफरेंट से मुराद के ये पुराने कमग्गर कबूतर हैं, और इस वक्त उस्ताद अलीम खान साहब के पास ये कबूतर वाफिर मकदार में बने हुए हैं। ये किसी वक्त में किसके कबूतर हुआ करते थे? मैंने तो लाला साहब के पास देखे थे, यूसुफ खान साहब के पास, यूसुफ खान साहब के पास, उस्ताद यूसुफ खान साहब फिल्म एक्टर, उनके पास ये कबूतर किसी वक्त में हुआ करते थे, तो अलीम भाई ने वहाँ देखे थे। तो अब इनके पास भी वो कबूतर बड़ी वाफिर मकदार में है, तो उनमें से कुछ कबूतर दिखाते हैं और अलीम भाई से पूछते हैं कि इन कबूतरों को क्यों लेकर आए। तो एक दो कबूतर तो लाए ना वो वाले। तो उस्ताद अलीम खान साहब अब हमें वो दिखाएंगे, रेड आइस कमग्गर कबूतर, आपने बताना उसमें रेड आइस कहाँ है। उस्ताद मीर सलीम साहब मसरूफ हैं इस वक्त लोगों के साथ। कैसे कबूतर अलीम भाई चेंज कर देते हैं, ये इनका टैलेंट बड़ा डिफरेंट टैलेंट है, मीर साहब क्या कहेंगे? सलीम साहब जो ना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो माशाल्लाह इनके जो भी क्रॉसिंग है वो अच्छी होती है। जाहिर है उस्ताद जो है बहुत तजर्बेकार और पुराने, तकरीबन इंडिया पाकिस्तान सब जगह हर जगह हर कबूतर देखे हुए, किस तरह कबूतर बनते हैं, परों का, अड्डी का, जोर का, खूबसूरती का, तो वो सब बैलेंस रख के जो ना कबूतर उस्ताद जो बनाते हैं ना। अलीम भाई माशाल्लाह, जब एक सवाल करूँगा, सारे उस्तादों से मिले आप, लेकिन जब भी हम आपके पास आते हैं ना, दो नाम आप बहुत ज्यादा लेते हैं, एक अली बलोच और यूसुफ खान। मुझे मेरे मुताबिक आप ज्यादातर इन दो असातिज़ा से ज्यादा इंस्पायर हैं। मैं तीन, एक नाम मैं बार बार लेता हूँ, पिछले वीडियो में भी लिया था, वो है बाबा करीम बख्श। करीम बख्श साहब, लेकिन जब वो लाहौर उड़ाने गए थे उनसे मैं अब से नहीं मिल रहा, और मुझे सिखाने में दो आदमियों का बड़ा हाथ है, एक बाबा अली बलोच साहब पुत्र कहने थे, मुझे पुत्र होते, और एक करीम बख्श साहब। करीम बख्श साहब ने मुझे जोड़े लगाना सिखाया कि बेटा ये चीज़ कैसे कम होगी, ये किस कैसे बढ़ेगी, ये फनकारी मुझे करीम बख्श साहब ने दी कि अगर तुमने उड़ाना है तो ये देखो, पकड़ के दिखाते थे और समझाते थे कि ये स्ट्रक्चर देखो, अच्छा ये जोड़ों का स्ट्रक्चर है कि ये जोड़ों में डालना है और ये उड़ाने में डालना है। और बाबा अली बलोच साहब, मैं कहता हूँ जितनी भी उनकी तारीफ की जाए, मैं यू बहुत कम नाम सुनता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ लेजेंड कबूतर वास्ते, जिन्होंने ऐसे ऐसे कबूतर रखे हैं। तो खुद जानता है कि अली बलोच क्या है, और लोगों का तो पता ही नहीं है, लेकिन बाकी वो ऐसा मुझसे यूसुफ खान उनसे कबूतर लेके आए थे 59 के बाद, ये यूसुफ खान साहब ने मुझे खुद बताई, मैं किसी के मुंह की बात नहीं बता रहा, ये यूसुफ खान साहब ने बताई। अच्छा यूसुफ खान साहब के पास खजाना था जो रखते थे, और अच्छा बहुत कम दिखाते थे, वैसे तो ज़्यादा पसंद ही नहीं करते थे, छत की छत पे बहुत हज़ारों कबूतर थे वही देखते थे, लेकिन जो उनके शौक़ के कबूतर थे उसमें पाके थे, उसमें कमकर कबूतर थे, बाबा अली बलोच वाले कबूतर, एक नाम भी डिफरेंट उन्होंने, हलाकू, हलाकू का पट्टा उन्होंने मुझे अपने हाथ से दिया था, जो यहाँ कराची में चाहे लतीफ़ साहब और बाबर के घर पे वो मरा था, सूखी में आ गया था तो नहीं दिया था, उसके बच्चे बहुत उड़े, कैसी बात है। हलाकू, मेरा आपसे एक सवाल है, करीम बख्श, बाबा अली बलोच और यूसुफ खान, एक एक जुमला उनका कोई आपको याद हो कबूतरबाजी के हवाले से, जो लोगों की कबूतरबाजी में कोई रंग भर, एक एक जुमला उन तीनों का, कोई ना कोई कॉल, जैसे आपने वो नवाब साहब थे,
क्या नाम था उनका? मिक्की मिया था। देखिए उनका नाम भी लोगों को याद है, ऐसी आपने बात की। कोई एक एक जुमला उनकी शख्सियत को उजागर करता हो, बताता हो कि यार वाकई क्या उस्ताद होंगे। मैंने उनसे करीम बख्श साहब से कहा कि बने हुए कबूतर की मुझे शनाख्त बता। जब कबूतर तैयार हो जाए उड़ानों में तो उसकी मुझे शनाख्त बताए। करीम बख्श साहब कहने लगे बेटा एक बात बताओ। मैं बता दिया सीना हल्का हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, प्याजी हो जाए, नहीं जी आपको दिखने लगे अड़के भी उसकी अच्छी हो, तो ये तो एक आम शनाख्त है। कहने लगे लेकिन मैं आज आपको एक गुर के बात देता हूँ। जब आप किसी के यहाँ उड़ा हुआ कबूतर आपका इत्तेफाक हो तो बैठे और वो करीबी याद हो तो उसको गौर से देखो, और जब दिल और दिमाग एक साथ बोले ना वाह क्या बात है, तो वो बना हुआ बस बोले ये फीलिंग है, इसमें वर्ड्स में नहीं दे सकता तुमको, यानी वो पंजाबी में उन्होंने बोला था मैं इसके अल्फाज नहीं दे सकता, ये एक जहन और दिल से आवाज निकलती है यार कि सुबह छोड़ना है मुकम्मल फिटर हुआ ये कल टाइम, यानी कि आपको शक ना हो जहाँ पर बस वो कबूतर आपने समझना है कि बन गया सही। और बाबा अली बलोच साहब तो फनकार आदमी थे, कलर कैसे कटेगा, हांडी में नमक प्याज बराबर की होनी चाहिए वरना हांडी की रेड़ लग जानी है, ये वो कहते थे। क्या बात भाई, हांडी में हर चीज बराबर होगी तो मजा आएगा ना। हाँ मिर्चे बहुत तेज हो जाएंगे आप खा लोगे, तेज हो गया काम खत्म हो गया। तो वो इस चीज को आप समझाने के लिए म्याना रवि रखे दोनों साइडों पर, ना सख्त हो ना नरम हो, ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, बिल्कुल ये चीजें, ना ज्यादा आंख तेज हो ना ज्यादा आंख हल्की हो। अच्छा वजूद उड़ने में अली बलोच साहब हमेशा नरों में ना अच्छा वजूद रखते, यार बोले माजी सही है दरमियानी भी चल जाएगी, लेकिन नर उन्होंने कभी जिंदगी में थोड़ा सा कद में अगर छोटा भी है तो कुत्ते में नहीं डाला, नहीं रखा, परफेक्ट कबूतर परफेक्ट। नरों में वो कहते थे भाई नरों में मेरे पास कोई मुरव्वत नहीं, और लोग मादियों में कहते हैं कोई मुरव्वत नहीं, ये लोगों की बात है, मादा तो एक मेन चीज है, लेकिन आप मादा सेम मादाओं के दरमियान कद होते बहुत बड़े बड़े तो नहीं होते, उससे आप दरमियान कद की नर डाल देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, गिटकू लिहाजा नर अगर आपके पास अच्छे कद में खड़े हैं आप कहीं से भी मादा लेके आते हैं तो आपका रिजल्ट फौरन आ जाएगा। सही बिल्कुल सही। यूसुफ खान साहब जी जी मकसद ये है ना कि जैसे अगर कबूतर का साइज अच्छा है आप बड़े से छोटा कर सकते हैं, छोटे से बड़ा करना मुश्किल हो जाता है, तो ये वजह ये पुराने उस्तादों की वजह यही है, उसमें कोई चीज बड़ी हो जाएगी कोई छोटी रह जाएगी, हाँ। कबूतर परफेक्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल तो वजह यही है, तो पुराने उस्ताद जो ना बैलेंस से जो ना। अब यूसुफ खान से मैंने पूछा था, मैंने सर आपने तो इतने अरसे माशाल्लाह दाढ़ी रख ली थी लास्ट में, मैंने परों के बारे में मुझे कोई एक बात समझा दी, वाह अच्छा। मैंने लोग तीन पर कहते हैं बराबर हो, कोई कहते हैं नवा बड़ा हो, कोई कहते हैं दसवा बड़ा हो, अलग अलग मुख्तलिफ बातें करने लगे बेटा मुट्ठी बनाओ मुक्का बनाओ। मैंने मुक्का बना दिया ऐसे, ठीक है जी। कहने लगे कितनी फोर्स है, मैंने बहुत ताकत है इसको। कहना अच्छा एक छोटी उंगली खोल लो, अब कहाँ है ताकत है, ताकत खत्म हो गई। कहने लगे कबूतर का नवा पर आपकी छोटी उंगली जैसा है, बस ये आज मैं समझा दिया। क्या बात कि अगर ये हाँ तो वो कम पड़ गया, यार कैसी ट्रिक होती है क्या है बड़े लोगों की बड़ी बात है, देखो उस्तादी है समझाना, ये होता इजी समझाना। अब आप ऐसे बंद करें और एक खोल के अब जान लगाए नहीं लग रही पावर, तो कबूतर का नवा पर ये खासियत रखता है। क्या बात क्या बात, बहुत आला। ले जी ये वो न्यू एंट्री है, वो कबूतर है उस्ताद अलीम खान साहब के, इसकी वजह से मैं जरा आप लोगों को जोड़ने के लिए, आपको साथ-साथ किराम की कुछ बातें देने के लिए रुका, लेकिन अब आप जब ये कबूतर देखेंगे तो आश्चर्य कर उठेंगे, क्या बात है इस कबूतर की आंख में। पहले खान साहब के पास देखे थे, उसके बाद अब देखे मैंने। अच्छा पहले तो आंख का मजा ही ले लेना,
इसके बाद इसका ये पूरा चेहरा नकोड़ा, इसका ये इसका सर, क्या बात है इसकी शेप। मजे की चीज है कि सर खुला हुआ है इसका, खुला से मुराद फीका है, बहुत आला। इंडियन लोग बोलते हैं दुलावा, सर दुलावा, दुलावा सर। रंग से भी उस्ताद मंजीत सिंह साहब, देखें जरा इसको, पानी देना यार, मर जाएगा दो मिनट में, आखिरी इचकी आ गई इसकी। मैंने इसका हिसाब लगाया, जिधर कोई अच्छी बात चल रही हो ना, इसको या छींके आती हैं या खांसी, आज इचकी आ गई इसकी, बातें नहीं इसको हजम होती। वो सिपाही जंग के टाइम इसकी तबीयत खराब हो जाती है। ताहिर चीमा साहब अब आए इसके पर की तरफ, सुनहरी पल्ले बल्ले बल्ले, ये देखें जी बगल कहां जा रही है, पहली कली कहां जा रही है, कैसा परफेक्ट पर है इसका, कमाल कर दिया इसके पर ने। और ये न्यू एंट्री जहां तक मुझे लगता है, ओल्ड एंट्री के साथ जब इन्होंने टच होना है ना, तो इन्होंने लगा टच देने, क्या बात। अलीम भाई एक दो पुराने गोल्डन भी ले ना, ताकि जरा अंदाजा हो जाएगा कि यार ये लास्ट ईयर जो लाल आंखों के कबूतर दिखाए थे वो, और अब इनमें चौधरी इंडिया लॉट, अति उत्तम, बिल्कुल अति उत्तम। सियान इसको देखिए आप, इसकी परफेक्शन देख लें आप कबूतर की, इस पर गोश्त है लेकिन है कहाँ, ये देखो स्ट्रक्चर देखें, है आया मजा। लेकिन नहीं इनकी पीली पल गई, ये दूसरा, वाह वाह वाह, कामरान भाई दूसरा कबूतर है। हाँ हाँ ये दो, मेरे पास एक था ऐसा, उसके में से एक ही बच्चा निकला, वो कबूतर मर गया, लेकिन ऐसा परफेक्ट कि आज भी वो आगे तीसरी चौथी जगह पर भी चल रहा है जाके, तो कमाल। कौन सा बोला, पहुंच गया, हंसा देख कैसे है, सचमुच खलीफा हो गया तू। उस्ताद अलीम खान ऑफ कराची के ये जानदार कबूतर, परवाजों के शुतर बेमुहार कबूतर, और सियान के बादशाह, इंतहाई कमाल। जिशान जमील साहब देख रहे हो, कितने ने अपने बाकी, तुझे तो अजकल ग्रुप च भी नहीं आते कोई बंदा, सारे शगिरदी पता नहीं नाराज होए ने, कितने गए ने, एक दूजे तो ताड़ियां नाराजगियां तो नहीं चल रही, चौधरी जहीर साहब, ख्याम शाह साहब, किधर गए हो तुसी। तौसी कलर होता है जी, दिलावर खान साहब के कबूतरों का था नाम तौसी, लेकिन वो अब बहुत कम नजर आते हैं तौसी कबूतर। नरमो मलान जी ये पुराना, अब ये देखें जी, ये कबूतर थे वो जो हमने पिछले साल दिखाए थे, वो हमारी लाडो रानी का है, जौंसरी। इनकी ऐसी डाइयां इन कबूतरों की, ये जो पिछले साल वाले हैं, ये देखें, ये जो मतलब पहले पहली वीडियो में हमने ये दिखाए थे, आज वो नए कबूतर दिखाए हैं। तनवीर सदीकी भाई वालेकुम सलाम, आपने मेरा नाम पक्का पक्का रॉकी भाई डाल दिया। हाँ आज पकड़ते हैं ना उस्ताद साकी बाबा साहब को, शाम को जाके कटिंग शटिंग करवाते हैं, कल रॉकी भाई लुक में आएंगे फिर निकल के। लाहौर में बारिशें चल रही थी, प्रोग्राम सरदार साहब का हुक्म था, पहुंचना था, तो बस ऐसे ही उठ के आ गए। काका मुल्तानी साहब, मलकीत रंधावा साहब, बेग कबूतर्स, बेग भाई बहुत दिनों के बाद आए हैं आप। अलीम खान साहब के क्या कह रहे हैं जी, माशाल्लाह आउट क्लास, उस्ताद अलीम खान साहब के कबूतर, क्या बात। दराज कितना है पर, ये देखें, ये बाबा अली बलोच साहब के घर वाले, वाह वाह
उसमें पत्ते फेंको बाहर से टॉस कर। बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप इनकी पत्तियों की बात कर रहे हैं ना, जो इनके पर हैं, ताउस मोर की, मोर के परों जैसे। तो ये दिलावर खान साहब के कबूतर होते थे ऐसे, उनको ताउसी कहते थे, ताउसी कबूतर। वो चमकदार पत्ती होती है। हाँ, मेरी नॉलेज में जो है ना, वो कबूतर आए तो वहीं से, खान साहब की तरफ से। दिलावर खान कौन से वाले? अब कौन सा दिखाएंगे? नेक्स्ट ये उनमें से ही। वाह वाह यार, ये बहुत ही परफेक्ट कबूतर। अलीम भाई उनमें से एक माता इससे लगा दो यार। कैंट पाजी, काका मुल्तानी बिल्कुल सेट गल की थी पाजी, फिट कहते ने कैंट कबूतर ने चौकस। नहीं नहीं कैंट आला हो चढ़ते पंजाब तो नहीं ना पॉइंट, वागा तो परे, इंडियन इंडियन पंजाब नहीं, उत्तर नहीं, वो मतलब उत्तर प्रदेश। तुम यूपी लेके भाई को उर्दू, उर्दू में उर्दू सिखाओगे उन्हें वहां पे? जलंधर है। मनजीत सिंह साहब का फोन आता है ना, वो उर्दू बोलते हैं, थोड़ी देर के बाद कहते हैं यार हुण मुंह मेरा थक गया, हुण तो पंजाबी च आ जा। मैं कहा पाजी मैं तो कभी किया ही नहीं, कभी नहीं थी उर्दू च गल करो। नहीं पंजाबी च मैं जरा रिलैक्स रहना हूँ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े अजीज दोस्त हैं हमारे, प्यारे दोस्त हैं मनजीत सिंह साहब, दिल लगाए रखते हैं हमारा, कॉल करते हैं, कॉल पे बातचीत हर वक्त, बड़ा अच्छा। और रिजल्ट उनका माशाल्लाह, नॉर्थ अमेरिका के रिकॉर्ड होल्डर हैं हम, सबसे बड़ा रिजल्ट है उनका 80 आवर्स प्लस घंटे हैं, जहाँ पे 30-30, 35-35 घंटे अमेरिका में लोग। उस दिन मैंने एक इंटरव्यू लिया था, वो कहते हैं अगर बन जाए तो हम कहते हैं बड़ी बात है, और वहाँ वो नॉर्थ अमेरिकन रिकॉर्ड होल्डर हैं 80 प्लस आवर्स। कौन से कबूतर? हाई फ्लाइज। उनके पास रामपुरी कबूतर बड़े अच्छे, फिर उनके पास टैडी कबूतर बड़े अच्छे, रेड आइज कबूतर बड़े अच्छे, बनाना भी जानते हैं। क्या बात है, इसकी फिटिंग भी कमाल है। ये मादा है जी, नायाब मादा, थोड़ा बुरा माने हुए शायद, कोई मसला है इसको। हाँ वही ना, ये और चीज है। नहीं ये चेन में से क्या पा रहे यार, पहले पर पे ही आ गए। उस्ताद सरदार अब्दुल कयूम साहब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, आज हमने अब इसके बाद उनके साथ कहीं पर जाना है, और शायद आपको कल या परसों में एक और बड़ा ही उम्दा किस्म का शौक करवाएंगे अंदरून सिंध से भी। उस्ताद आसिफ जमाल साहब के भी कबूतर आपको दिखाने हैं। मैं कह रहा हूँ इस दफ़ा कराची को खोल टोल के रख देंगे, टटोल के रख देंगे सारा कराची माशाल्लाह। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूतर उस्ताद अलीम खान साहब के, ये गोल्डन कबूतर, कमगर कबूतर, जो भी आपको लगता है आप कहें इनको, तो मैं कहता हूँ कि वो मिसाल नहीं इन कबूतरों की मिलती। ये वो कबूतर हैं कि जहाँ इन कबूतरों को आपने क्रॉस देना है, इन्होंने आपके घर की उड़ान तो पक्की करनी करनी है, वापसियाँ भी पक्की कर दी।
उस्ताद नुमान भट्ट साहब इसका मूँह जरूर वेखना कबूतर का अजीब जहा बिल्कुल डिफरेंट मूँह है इसका बहुत शुक्रिया अयूब खान साहब क्या बात है शादी वाली मत आएगी वो पिंजरा भी इधर रखे जरा इसको छोड़ना उस पिंजरा किसका वो देखे पिंजरा इसको छोड़ो वो मादा नार उसमें छोड़ो ना फिर ये मादा भी छोड़ेंगे वो वैसे दिखानी है उसमें पर उड़ाए गए वो तो इधर उड़ा नहीं जी ये हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट पसंदीदा मादा लास्ट ईयर भी और इस साल भी कीमती कबूतरों की एक मिसाल है ये कबूतर कम कर भी जिसके कबूतर नहीं उड़ रहे पता नहीं क्या वजह हो सकती है कि नहीं उड़ रहे अगर वो वापसी में पक्के हैं तो आप उनको ये मादा अगर उस कबूतर से लग जाए उन कबूतरों में तो मेरे हिसाब से आपके कबूतरों का रिजल्ट चेंज करके रख लें इसकी आंख का दोबारा से देख लें ले लें इसके मुंह का आंख का स्क्रीनशॉट ले लें स्क्रीनशॉट ले लें इसका अब इसके पर का भी ये आधे पर का स्क्रीनशॉट लें ये है जी तेज पर सब घर गए और वापसी के हिसाब से मुकम्मल और फिर तेज हर चीज ये देखें खुलेगा पर वहां पे ये चढ़ेंगे यहां पे ये हो गए इतनी सी दुम है इसकी ये छोटी सी ये इसका पंजे देख लें तो बेमिसाल ले लें स्क्रीनशॉट लेने तो उस्ताद अलीम खान साहब 0300-255-0938 उनका नंबर ये मादा को नुमान की पसंदीदा मादा इन कबूतरों को हम अब अलग से छोड़ के आपको इनकी तस्वीर जो है वीडियो दिखाते हैं ये ले आओ जी इस पर ये लगा हुआ इसके साथ ना ये तो खड़ी है अरे बन क्या खिलाते हैं कबूतर इधर आते हैं बंदे जाम भी हो जाते हैं ये तो घर की पट्टी है सब ये घर के नहीं कोई से भी कबूतर आ जाए ना दो तीन महीने बाद आओगे मेरा ये झूला जामरा रख रखा हुआ अच्छा बाहर से लाता हूँ मैं बताता हूँ बाहर के नहीं बता रहा हूँ मेरे घर के सब बच्चे बिल्कुल सही है ये दो तीन साल हो जाएंगे बिल्कुल जामनी हो जाएंगे ये पिछले साल पट्टी थी पहली दफा जोड़े लगनी थी पता नहीं हाँ वही जी पंजाब की कबूतरबाजी के 100% रिजल्ट वाले कबूतर नहीं जी उमर मलिक साहब ये है कबूतर जनाब उमर मलिक साहब ये है कबूतर गल नू मेरे समझ जाना अगली गल ताड़ी है अब इसको कोई भी नाम दे दे पीली कड़ी पे इसके 12 नंबर लिखा हुआ और सबज कड़ी पे इसके 20 नंबर लिखा हुआ क्या बात टेस्ट के खानदान यही है रंग थोड़ा फीका ब्लड एक ही है ये मतलब अलग से बनाएंगे इसकी वीडियो इधर छोड़ो उस्ताद बहुत अच्छी बेस बेहतरीन
कमाल होगा। बस छोड़ो तो ये क्रीज में बड़ा बहरहाल इसकी आंख देख सात और लाने ना लाओ एक और इनमें से मैं कह रहा हूं जरा एक दो कबूतर हमें दिखा दो ये इनका बाप भी देख लें जरा सा क्या खिला दिया उसको पीट में ही चढ़ी। ये जी ये जो कबूतर जो नस्ल आप दिखाई है लाल आंखों की ये उनका बाप है ये अभी अंडों से उठ के है जो नशा आज लाल आंखों का है ना क्या बात वो भी इसलिए लोगों को पता कि आपके पास ये आपने बनाया है देखें इनकी चाल चलन देखें इन कबूतरों की इंतहा देखें बेपनाह प्यार है आगे कबूतर मेरे टॉप फेवरेट कबूतर ले जी गया उस्ताद अलीम खान साहब ने अंबर सरे कबूतरों में से एक तजर्बा किया है फोटो बहुत अच्छी पिक्चर भी बहुत अच्छी छेड़ रहा नुमान भाई का पूछ लो मैं इतनी देर से फिर रहा हूँ इसके साथ मेरा कोई नहीं हाल पूछ रहा नुमान भाई क्या हाल है नुमान भाई से बड़ी दोस्ती है सबकी बंदा चेंज करना पड़ेगा सारे इसको पहचानने लग गए काम खराब है हाँ काम खराब होने लग गया जैसे पहले एक बंदे ने काम खराब कर दिया अब आप भी करोगे हाँ असर है खतरे की घंटी बजा दी तूने जी मेरे साहब आप क्या कहते नौकरी छोड़े ना तो ये मर जाए ये एक मिनट ये दिखा के वहां छोड़ेंगे ले जी ये अलीम भाई की निशानी कह लें आप ये मुंसलिक हैं ये अलीम भाई के नाम से मुंसलिक कबूतर जैसा नाम खुद भी रामपुरी कबूतर भी रामपुरी क्या बात बहुत आला इर्द गिर्द में तो रामपुरी रहते हैं इधर एक ही है रामपुरी बाकी गोल्डन ही है जाक भी है उस कैसे पता चला रामपुरी में गोल्डन का क्रास बड़ा जबरदस्त बड़ी मेहनत की है पहले भी उड़ा भी चुके हैं बाबर को दिया था आज से बहुत अच्छे पहले बच्चा ही उसके यहाँ शाम तक परसों पे बैठा है अच्छा इसके ट्राई मैंने किए बड़े साइज के रामपुरी और तमगर ऑरेंज आंख के जो थे ना उनमें क्रास उसका बहुत अच्छा था आंख भी अच्छी बनती है जालदार आंख भी बनती है उनसे जर्रेदार आंख भी बनती है जैसे नीले और ऑरेंज मिक्स हो गए हाँ बहुत अच्छे बने सियान भी बहुत अच्छी और परवाज भी अच्छी क्या बात है यार राम के
ये उस्ताद का हर पल रेडी कबूतर यानी के टेडी कबूतर। ये तो उस्ताद जैसा खूबसूरत है भाई। हाँ नहीं वहाँ छोड़ो, जरा दिखाते हैं ना कर कम यार। ये कबूतर भी उस्ताद ने कमाल ही लिया, इश्क वाला कबूतर है ये। नहीं ये भी अच्छा, दोनों अच्छे, बहुत आला कबूतर। ये तो जरा बुढ़ा भी हो गया ना, पुराना। मलिक तुफेल है इसका एक कबूतर, मुझे बड़ा पसंद है। बाबे का दिमाग की बात है। नहीं तुम गए थे ना, पर दिया नहीं था मेरों वाला कबूतर। लो जी इसमें हमारे वाले की एक खासियत है। नोमी पंजे ही नहीं है इसको, गायब नहीं रोकेगा नहीं रोके। इससे क्या एक्सपीरियंस किया है कोई? तो क्या था? पुख्तगी है, अग्रेशन है। अच्छा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो मैं बार बार कहता हूँ ना, रामपुरी से टेडी बने सही कहता हूँ ना, ये देख इसमें कोई टेडी क्रॉस नहीं है। ये रामपुरी है, ये रामपुरी है। सब को माने या नहीं माने? मैं भी नहीं मानना। कोई माने नहीं माने, अभी साथ के मैं आपको 20 दिखा सकता हूँ। नहीं भाई रहने दो, ले आओ। नई गाड़ी लेनी है तो ले आओ। माने है नहीं माने, मीर सलीम तो देख रहा है ना। इसका बाप तो कम से कम दिखाई दूं फिर मैं आपको। उस्ताद एक बात है, तुम मानो ना मानो, शरारत कोई कर गया मुझे लग रहा है। ये जो जालदार थे ना, ये शरारत कर गए इसमें। मुझे लग रहा है ये पर भी देख ले, ये नीचे आके खड़े होके खेलने वाले कबूतर। खेलने से मुराद ये ना आप कहना कलाबाजियां खाएंगे, मतलब नीचे आके भी फिरेंगे ये कबूतर। लेकिन एक बात, परफेक्शन की इंतहा कबूतर, खूबसूरती, साइज, रंग, इसका बाप। तो आप दिखा रहे थे माँ बाप के, देखो फिर मैंने क्या कहा, प्यार मोहब्बत वो नहीं है ना, ना दोनों दोनों रामपुरी। चंदा खानी नहीं, नहीं बेटा चंदा खानी तुझे पता है नहीं, बकवास करने की जरूरत नहीं होती जब जिसका ना पता। मर गए ये तू, अब हर कोई अगर नुमान भाई कह रहा है ना तो अपनी इज्जत की लाज रख ले। ये मैसेज है, अच्छा लोगों का मैसेज आया भाई, वो सही कह रहे हैं फिर, सॉरी। ये माँ बाप है उसके, ये रामपुरी कबूतर। ये देखें जी, ये अब एक जगह बात हुई थी, वो कह रहे थे जी जालदार हो जाए तो फिरोजपुरी है, तो कलसरा हो तो रामपुरी है। लोग यही कहते हैं फिरोजपुरी कोई नस्ल नहीं है भाई। जालदार राम जो रामपुरी कबूतर है ना, वो ये रंग है। और थोड़ी हिस्ट्री खोल दूं इसकी। वो छोड़ दो ना, ये इसकी माता, इसमें काम लगा हुआ रामपुरी में। पल्ला बड़ा अच्छा, बहुत है। पीबी सिंह राजपूत बिल्कुल बने होने जी भाई ने, असी कदों कह रहे हैं कि नहीं बने। जब मिस्त्री साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा जी साढ़े कोल कबूतर आए, बंदा रामपुर गया उधरों लैके आया, उन्हें ला के सानू कबूतर दिते। ए देखो रंग, हाँ जालदार रंग था ना,
वो मिस्त्री साहब का बेटा है ना, उससे मेरी बात हुई, उसने बताया वो गया साहब। हाँ ये देखेंगे दो रामपुरी कबूतर हैं आपके सामने, एक ये बैठा हुआ नीचे बिग साइज, एक ऊपर बैठा हुआ, दो रामपुरी, एक वो अंबरसरा, उसमें भी तकरीबन रामपुरी का ही टच है। क्या बात छोड़ दिया इसको, इसका काम भी खत्म हो गया, छोड़ के। दोनों कबूतर रामपुरी हैं, दोनों कबूतर आप देख सकते हैं, जालदार भी नीचे वाला है। वाह वाह, सेंटर में फिर आ गए रामपुरी, रामपुरी फिरोजपुरी, रामपुरी टैडी, ये उड़ान वाले रामपुरी पड़े। अच्छा जी ये जो लाल कबूतर आपको नजर आ रहा है, इसका बाप आपको दिखाते हैं, ये भी रामपुरी कबूतर है हमारे पास। आओ जी मान इसको जरा, बाहर में बुलाता, आई सॉरी, आप स्टार हैं इस वक्त कराची के, दुनिया आपके हालात पूछ रही है, ऐसे पूछे जैसे मरी से आया ये, कि जिंदा बच के आ गए कि नहीं। नहीं जी ये इसका बुड्ढा हो गया बेचारा, लेकिन वो अपनी असली चीजें दे गया सारी। क्या बात नंबर है, 72 10 सही, ये भाई जान 10 है। हाँ बस है बाबडा हाउस, उस्ताद मलिक बाबर साहब हमारे साथ हैं, तो कबूतर देखें कैसा शानदार बुड्ढा हो गया। नहीं नहीं मॉडल टाउन वाले बाबडा हाउस कबूतर मिल गया ना, उस्ताद कह रहे हैं ये हमारे पर्दादार कबूतर, ये पर्दे में रखे हैं, तो ये आज हम दिखा रहे हैं आपको मंथली हाई फ्लाइंग पिजन के, क्या था मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में, ये शर्फ हमें हासिल हुआ है कि उस्ताद हलीम खान साहब का ये कबूतर हम दिखा रहे हैं, जो इन्होंने किसी को नहीं दिखाना वो हमें दिखाना है। हलीम भाई बहुत ही ग्रेट इंसान है, पर पटाई पर वीडियो अब ये है कि हम वहाँ आएंगे तो बना सकते हैं भाई, पंजाब एक हफ्ते तक अगर आप रोक सकते हैं तो फिर हम कर लेंगे और वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह, पूरी बात करेंगे क्या क्या खुराक देनी चाहिए। उस्ताद हाजी तौला हुमायूं साहब बिल्कुल उनके घर पर पटाई होगी और उस पर वीडियो बनाएंगे। अली में ये टैडी कबूतर क्या है, टैडी अब बनाया हुआ आपने? नहीं ये घर की ब्रीड में से प्योर टैडी है कि इनमें भी रामपुरी टच है? ये नहीं ये ग्रामीण दे रहा है, ये और यही सही कबूतर है असल, बस समझे कि यही पर उड़ते हैं, ये जेठ के पर लगे हैं। लोग कहते हैं रामपुरी उड़ते नहीं है, आप देख लें बनाना पड़ता है। ले जी उस्ताद अलीम खान ऑफ रामपुर ऑफ कराची, रामपुरी कहलाते हैं इनके, आज कबूतर आपको दिखाए हैं, यादगार शानदार बेमिसाल जानदार लाल के कबूतर आपने देखे, मजा आ गया कबूतर देख के, बहुत ही जबरदस्त कबूतर, और उसके बाद ये इनके रामपुरी कबूतरों के जो टच हमने आपको इधर उधर दिखाए हैं घुमा फिरा के, इन्होंने जो रामपुरी कबूतरों को मेंटेन करके उनसे परवाजी कबूतर बनाए, उस्ताद करीम बख्श साहब के जबान का एक जुमला, उस्ताद अली बलोच साहब का और उस्ताद यूसुफ खान साहब, तीनों की जबान के एक एक जुमला जो इन्होंने दिया, वो मेरा ख्याल है कि कबूतरबाजी का एक निचोड़ मिल गया होगा, अगर कुछ समझा तो इन तीन जुमलों से आपकी कबूतरबाजी जो है वो निखर जाएगी, और शान श्यान और उड़ान पर जो उस्ताद अलीम खान साहब ने बात, ये है शान, शान है ना, अगली स्क्रीन क्यों नहीं आएगी, ये देखिए शान, बिल्कुल ये शान है, ये जो दूसरा आया ये भी इसकी शान है, क्या बात है।
तो आप ये चीज़ें देखें, अलीम भाई की वीडियो ज़रूर देखा करें। अलीम भाई के वीडियोज़ में आपको अंदाज़ा होगा कि कबूतरों की बनावट, परख, हर चीज़ क्या होती है। और हमारी इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उस्ताद अलीम खान साहब के इल्म से मुस्तफ़ेद हो सकें। मज़ीद जो इनसे कुछ अगर सवाल आपके जहन में हम नहीं पूछ सके तो वो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए नंबर यहाँ लिखे नंबर बोल दें 0300-255-0938 जी, ये नंबर है। नीचे कमेंट्स में पिन हुआ है उस्ताद अलीम खान साहब ऑफ रामपुरी, इनकी तरफ आप जब भी आपका कभी कराची चक्कर लगे तो इनसे आप बात कर सकते हैं, इनसे आप इनके कबूतरों का आप शौक कर सकते हैं, इनसे आप कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। इल्म का ख़जाना, बड़े ही अच्छे कबूतर बनाने का जो कबूतर घर इंसान है, ये कबूतर बनाने वाले इंसान है। और मेरी तो फेवरेट शख्सियत है, इंसान भी उतने अच्छे हैं, अगर कबूतरबाजी से हटके भी बात की जाए तो बहुत अच्छे इंसान, घर दूसरों का दिल में दर्द रखने वाले इंसान है। तो इनकी एक बात है जो मेरे साथ भी इनकी है, लेकिन मैं यूँ नहीं कहना चाह रहा लोगों के सामने कि ये इनकी नेकी है जो ज़ाया नहीं करना चाहता। तो अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को उस्ताद मीर सलीम और नुमान यूनुस फजूल के साथ उस्ताद अलीम खान साहब की छत से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।